अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस वक्त हम हज़ारा मोटरवे से गुज़र रहे हैं और दिस इज़ निस्बतन न्यू मोटरवे बेसिकली, और काफ़ी लाइफ आसान हो गई है इसके बनने से। इट विल टेक अस ऑल द वे टू मानसेरा, राइट? और वी आर ऑन आवर वे टू स्कर्दू इंशाल्लाह। दिस इज जस्ट द स्टार्ट, बट आई थॉट के ये एक छोटा सा क्लिप बना लिया जाए, सो दिस विल गो ऑन स्मॉल क्लिप्स। इब्राहिम सगीर साहब ड्राइव कर रहे हैं, पीछे बच्चे सो रहे हैं, दे सो लकी द किड्स। और हम बाबा लोग इंजॉय कर रहे हैं इस जर्नी को। अच्छा जी, ये एबटाबाद टनल 1 हम पहुंच गए हैं। And we are entering. This is an amazing tunnel, and here we are inside the tunnel. वैसे तो usually ये tunnels में तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए, but what the hell? I used to be very cautious on these things, लेकिन मैंने जब net पे देखा तो ये तो सारे videos पड़े हुए हैं, YouTube पे पड़े हुए हैं, तो I said might as well. This is an amazing tunnel. कितना 2.5 किलोमीटर है? नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर। हाँ, बस आ जाएगा। Wow, what a privilege to be driven by somebody who's lived and worked in the UK and an amazing driver. Wow. और usually मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाता हूँ वीडियो बनाने वाला, because मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ। और मोहसिन साहब जो हमारे फोटोग्राफ़र हैं, जिनको ख़ास तौर पे इसलिए लाए थे कि हमारा वीडियोग्राफ़र भाग गया, तो वो हमारे वीडियोग्राफ़र और फोटोग्राफ़र साहब सो रहे हैं। एनीवेज, अच्छा जी, ये टनल 2 आ गया जनाब। लॉन्ग लिव पाक चाइना फ्रेंडशिप, ये उनके तवस्सुत से बना है। एंड एन अमेजिंग जॉब दिस गाइज हैव डन। यहाँ अंदर लाइट नहीं है बिकॉज टनल छोटा है, इसलिए अंधेरा है। And here we go back to civilization. Actually, this is the third tunnel. It's called the Mansera Tunnel, 2528 meters. Amazing. Oh, reminds me of the tunnels in New York. Manhattan से कहाँ जाते हैं? Bronx जाते हैं? Have you been there? Right. Okay. Yes, Manhattan से Bronx जाते हैं जो tunnels. और बल्कि वो छोटा है, और उसमें एक और चीज़ है वो ये कि राइट से गाड़ियाँ आ भी रही होती हैं। तो आई थिंक वी आर रिचर देन न्यूयॉर्क नाउ, बिकॉज ये वन वे टनल है, दो लेन्स चल रही हैं, नहीं आ रही है गाड़ी। ओट्स मी एंड माय बिग माउथ। नेवरदलेस इट्स अ ब्यूटीफुल टनल। 2528 meters इसकी हाइट थी पीछे शायद, एंड बज़ाहिर लग रहा है ये भी कोई 2-1 किलोमीटर का है। इट्स काइंड ऑफ लॉन्ग, टनल में ये ब्लॉक ओवरटेक कर रहा है ट्रक को। ओवरटेकिंग नॉट अलाउड इट सेज। या दैट्स अस पाकिस्तानीज, वी हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर रूल्स, एंड दैट्स हाउ वी किल ईच अदर आवरसेल्व्स रादर। नेवरदलेस, वाओ, दिस इज लॉन्गेस्ट। थैंक्स टू आवर चाइनीज फ्रेंड्स, ये उनके तवस्सुत से हमने बना लिया है। और दिस इज अमेजिंग, या आई एम लविंग इट एवरी मोमेंट वी आर एंजॉइंग। थैंक गॉड वी सेड लबैक एंड यस टू दिस प्रोजेक्ट। And we are about to get out of this one. I think this was the last tunnel. Police आ रही है सामने, probably मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। अच्छा जी, ये बटर टनल आ गया। वी कॉल इट द बटर टनल, वैसे बुट्टर इज प्रोनाउंस, ये बुट्टर जो गाँव है, बुट्टर बटर क्या वट एवर, तो ये टनल है। आई एम रियली अमेज्ड। ये एक साल पहले जब मैं इस तरफ आया था तो ये सारे रोड्स बंद थे और ये टनल्स बन रहे थे, और हम सोचते थे कब इन कमबख्त चाइनीज से जान छूटेगी। एंड लुक एट दिस,
look at what they've produced. And I really feel sorry for those friends who sit in their drawing rooms and crib about Imran Khan's government and crib about the CPEC and crib about the politics in this country. Look guys, I'm here and I'm reporting from the Butter Tunnel, which is off Mansera. और ये कुछ पांचवा टनल है जिसमें हम पहुंच गए हैं. इमेजिन जब ये खुंजराब तक हमें ये रोड ऐसा ही ले जाएगा. और जो जिसमें हमें फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे ईगल्स नेस्ट हुंजा में पहुंचने पे 28 घंटे लगे थे. और अब आप देख लीजिए किस स्पीड से हम टापो टाप लोकल लिंगो में हम यहाँ जा रहे हैं. तो कौन कहेगा ये पाकिस्तान है. For me, even it's hard to believe. I've never been to these tunnels, and my colleague here is saying कि एक पिछले एक साल में ये सारे tunnels बन गए हैं. So welcome to Pakistan, Janab, and especially the guys who are sitting abroad, who have lost faith in this country, and have been asking me कि शेख तू क्यों क्लर्की करता रहा है चीज़ी में और क्यों काम करता है यहाँ और क्या patriotism and all that crap that you talk about. So this is why I'm here, and this is the patriotism that has made me stay back and love this country, because I'm from here and I'm going to die here, alhamdulillah, no cribbing about it. Yeah, so we are about to end here the Butter Tunnel. Oh boy, kitni roshni hai. And we are out. ये मेरे साथ जो इब्राहिम सगीर साहब बैठे हैं ये माइकल शूमाकर से इन्होंने ट्रेनिंग ली है. फार्मूला वन रेसिंग करते रहे ये यूके में. आई एम साइनिंग ऑफ नाउ. ओके जी, दिस इज द थाकोट टनल. लॉन्ग लिव पाक चाइना फ्रेंडशिप. वी आर एंटरिंग द थाकोट टनल नाउ. वी हैव एंटर्ड. और यहाँ लाइट गई भी है. प्रेजेंटली लगी नहीं है अभी. बट अगेन इसका अपना मजा दे ही होगा. कैन यू प्लीज स्टॉप स्केयरिंग अस. ओह गुडनेस, दिस इज ब्यूटीफुल. दिस इज द थाकोट टनल. आ सीने लाल लग जा ठा करके. हाँ, तो थाकोट टनल है ये. अमेजिंग. अच्छा जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये टीम हमारी बिशाम में पहला ब्रेक ले रही है. दैट इज़ अक्सा, इब्राहिम साहब की बेटी. इब्राहिम साहब ये बैठे. ये पता नहीं कौन बंदा है, देखा हुआ लग रहा है. आदिल चीमा द डेयर डेविल ड्राइवर. ये देखिए दो छोटे से हमारे कंपेनियंस मीनू एंड जरियाब. तो ये भी हमारे साथ आए हुए हैं एंड दे आर ऑल्सो एन्जॉइंग वेदर इज काइंड ऑफ चिली. कासिम साहब, उनके बच्चे भाभी एंड दैट्स मोहसिन. सो वी आर टेकिंग अ ब्रेक. वी आर टेकिंग अ ब्रेक एट बिशाम. दिस इज़ अ होटल. अमेजिंग, इट वॉज नॉट देयर व्हेन आई केम हियर 20 इयर्स अगो. सो अपेरेंटली ये 10 साल पहले बना है. और लुक एट द साइज ऑफ द माउंटेंस हियर एंड इट इज़ सिंपली ऑसम. और काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है या नई वक्त के साथ. और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो क्या कहते हैं जगह है बिशाम, जिस पे इफ़ आई टेल यू के यू मे नॉट बिलीव कि ये मैं जब यहाँ आया था सन 2000 में अपनी वाइफ के साथ, सबीन के साथ, और आदिल वाज लाइक 1.5 मे बी. तो इट टुक अस 10 आवर्स टू गेट हेयर. और अब माशाल्लाह 5 मोटरवे से हम आए हैं. थाकोट तक मोटरवे आता है इस्लामाबाद से. और 5 टनल्स बने हुए हैं पहाड़ों को काट के. और वहाँ से हम आए तो इट टुक अस व्हाट लेस देन 4 आवर्स एक्चुअली टू गेट हेयर. तो सीधा सीधा 6 घंटे तो आप निकाल देना. तो दैट इज़ अमेजिंग. सो एनी वेज, दिस इज़ द फर्स्ट क्लिप ऑफ बिशाम. अब तो आगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और आगे टाइम लगेगा.
अरुणस कर दूँ, प्रॉब्ली हम रात को पहुँचेंगे, किस पहर पहुँचते हैं देखते हैं, नेवरदलेस वी आर लविंग इट। साइनिंग ऑफ नाउ, दिस इज शेख मोहम्मद अली, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये व्यूज़ फ्रॉम द टॉप। आई एम हेयर इन वन ऑफ द होटल्स रेस्टोरेंट इन जगलोट, जस्ट गॉट हेयर। और यहाँ आजकल पॉलिटिक्स हो रही है, हवेली पीपल पार्टी, PMLN, PTI, ये सब पहुँचे हुए हैं कल रात, जहाँ वेयर वी वर हैविंग अ डिनर। अच्छा जी, आई जस्ट रियलाइज कि यहाँ की भी एक वीडियो बना ही ली जाए। दिस इज समवेयर बिटवीन दासू एंड चिलास, द फेमसली नोटोरियस 45 किलोमीटर पैच। और इन पत्थरों को देख के वाकई खुदा याद आता है, फॉलिंग रॉक्स एंड द रोड इज जैक्ड अप बिकॉज़ वो सीपैक का नया रास्ता बन रहा है, तो इस पे नीचे जाके काम हो रहा है, दासू डैम बन रहा है, सो लिहाजा इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस, ऑल्दो इतना बुरा हाल नहीं था, लेकिन अब इसको छोड़ दिया है बिल्कुल, और इस पे सिर्फ ट्रक्स जाते हैं। अब चूँकि मौसम ख़राब है तो बबूसर से यू कांट कम, अदरवाइज वी वुड हैव कम फ्रॉम देयर, नोबडी इन द राइट माइंड वुड टेक दिस 45 किलोमीटर पैच। जगह रख इसके साथ, जाने दे उसको। ये ही सामान जा रहा है लोडिंग का ट्रक पे, ध्यान से, हाँ राइट से काट रहा है। देयर यू गो, नाउ वी आर ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, इट सीम्स वी आर इन US नाउ एंड बैक टू पाकिस्तान ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। अस्सलामु अलैकुम जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग। चिलास में है, एंड चिलास हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट, रगेड रोड्स, रगेड माउंटेंस। और ये आई थिंक ऐसा रोड थोड़ा बेहतर हो जाएगा आगे जाके। और ये रायकोट का जहाँ ब्रिज है, और जहाँ से लेफ्ट पे आप जाते हैं तो ऊपर पिरामिडोज़ का रास्ता आता है, तो वहाँ से ऑनवर्ड्स जो है वो गिलगित का जो रोड है वो कारपेटेड है, अदरवाइज ये रोड यूजली ख़राब ही है। बट लुक एट द सीनरी एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये लेफ्ट पे हमारे दरिया चल रहा है गिलगित, एंड लुक एट दीज माउंटेंस। सो यप, दिस इज़ वेरी हार्ड दिस मॉर्निंग। ये नीचे दरिया चल रहा है, see how far this goes. ये जनाब हम रायकोट का ब्रिज आ गया, अब हम गिलगित की तरफ रवाना दवा है। यहाँ से जगलोट इज 19 किलोमीटर, गिलगित कितना है? 68 किलोमीटर यहाँ से गिलगित है। और यहाँ से अब मेटल रोड शुरू हो गई है इंशाल्लाह, ऑल द वे ये गिलगित तो जाएगी, बट अपेरेंटली हम शायद थोड़ा पहले गिलगित से विल टेक अ राइट टूवर्ड्स करदो। लुक एट दीज माउंटेंस, लुक एट द वाइड एक्सपेंस, दिस इज अमेजिंग। यहाँ के वाकई अल्लाह की ज़ात याद आती है और एहसास होता है, और वो जुमला जहन में गूंजता है, फबे आई अल्लाह रब्बे कुमार तुका सिवान। ए जेनुइंस, बताओ अल्लाह किस किस नेमत को झुटलाओगे। यप, जनाब वी आर क्लोज टू दसू नाउ। दसू इज़ अबाउट वॉट 20-25 किलोमीटर्स, एंड
वी हैव पास दिस पर्टिकुलर डे यू आर, ये हमारी जनता इंतजार कर रही है, हम ब्रेक ले रहे हैं। Oh boy, this is a dream come true. We are at the Shangri-La Resort at the Kachura Lake. And I have been dreaming since what, 56 years? to come and see this place. And I wish Sabine, Adil and Aisha were here. We were not expecting that we will stay here. And इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम यहाँ पहुँच गए हैं। दिस प्लेस इज़ रियली अमेजिंग। सो या वी आर हेयर फॉर दैट प्रोजेक्ट। जस्ट सो हैपेंड दैट वी वर एबल टू स्टे हेयर। सो टुनाइट विल बी स्टेइंग हेयर, देन टुमारो विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू अरंदू फॉर आर प्रोजेक्ट।